गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो शॉर्ट नोट्स है तो दो टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे फर्स्ट है कोर्ड प्रोलैप्स ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है और सेकंड है प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जिसको अपन पी आर ओ एम बी बोलते हैं तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्ड प्रोलैप्स कोर्ड प्रोलैप्स क्या होता है तो आपने आप जानते हो कि प्रोलैप्स मीन होता है किसी भी ऑर्गन का अपनी एक्चुअल पोजीशन से डिसेंड हो जाना उसको बोलते हैं अपन प्रोलैप्स प्रोलैप्स मतलब होता है कोई भी ऑर्गन का अपनी जो सिचुएशन है उससे डिसप्लेस हो जाना उसको अपन बोलते हैं प्रोलैप्स और यहाँ पर प्रोलैप्स किसका हो रहा है कोर्ड का और कोर्ड का मीन अमलाइकल कोर्ड का अब देखिएगा डेफिनेशन में लिखा हुआ है एबनॉर्मल डिसेंड मतलब एबनॉर्मल तरीके से डिसेंड हो रही है कॉन ऑफ द अम्लाइकल कोड अम्लाइकल कोड बाय द साइट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट जो इसका प्रेजेंटिंग पार्ट है वो दिखेगा आपको तो यहाँ पर एबनॉर्मल तरीके से डिसेंड हो जाना अम्लाइकल कोड का उसके प्रेजेंटिंग पार्ट के द्वारा इसी को अपन बोलते हैं कोड प्रोलैप्स अब देखिएगा टाइप्स इसका जो फर्स्ट और सेकंड दो टाइप्स होते हैं तो फर्स्ट टाइप है इसका ऑक्यूलेट प्रोलैप्स और सेकंड है कोड प्रेजेंटेशन। ऑक्यूलेट प्रोलैप्स किसको बोलते हैं तो लिखा हुआ है अमलाइकल कोड साइट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड फेल्ट बाय फिंगर ऑन द इंटरनल एग्जामिनेशन यहाँ पर क्या हो रहा है अमलाइकल कोड की जो साइट है जो प्रजेंटिंग पार्ट है वो फेल्ट होता है बाय द फिंगर किसके द्वारा फिंगर के द्वारा मतलब फेल्ट मीन फील होना फ़ील होगा फिंगर के द्वारा ऑन इंटरनल एग्जामिनेशन जब आप इंटरनल एग्जामिनेशन करोगे सेकंड है कोड प्रेजेंटेशन कोड प्रेजेंटेशन का मीन है कोड इज़ लाइनिंग इनसाइड द वेजाइना और आउटसाइड द वलवा यहाँ पर जो कोड है वो सिचुएटेड रहेगी इनसाइड द वेजाइना वेजाइना के इनसाइड एंड आउटसाइड द वलवा उसको अपन बोलेंगे कोड प्रेजेंटेशन अब नेक्स्ट है इसकी इथियोलॉजी क्या क्या कोज हो सकते हैं कोर्ड प्रोलैप्स होने के तो फर्स्ट लिखा हुआ है माल प्रेजेंटेशन माल प्रेजेंटेशन के कारण भी कोर्ड प्रोलैप्स होता है सेकंड है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस अगर किसी फीमेल की जो पेल्विस है वो कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है उस फीमेल के तो उसमें भी कॉड प्रोलैप्स होने के चांसेज हो जाते हैं प्री मेच्योरिटी में भी कोर्ड प्रोलैप्स होता है प्रिंस प्रेगनेंसी भी इसका मेन कोज है हाइड्रो एमनियोज में कोर्ड प्रोलैप्स देखा जाता है और सबसे जो मेन जो कोज है इसका वो है प्लेसेंटा प्रीविया प्लेसेंटा प्रीविया मीन होता है लोअर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लान्टशन हो जाना प्लेसेंटा का अब लोअर यूटेराइन सेगमेंट में इम्पलान्टशन हुआ है तो कोर्ड का डिसेंड होना देखा जाता है इसी को अपन बोलते हैं कोर्ड प्रोलेप्स एंड लॉन्ग कोर्ड लॉन्ग कोर्ड में भी सबसे ज़्यादा कोर्ड प्रोलेप्स देखने को मिलता है जब कोर्ड की लेंथ ज़्यादा है तो कोड प्रोलेप्स होने के चांसेस भी मोर हो जाते हैं अब इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा अगर कोर्ड प्रोलेप्स होता है तो मैनेजमेंट ऑफ कोड प्रेजेंटेशन या कोड प्रोलेप्स तो कोड शुड नॉट बी रिप्लेस आप इसको रिप्लेस नहीं करते हैं एंड सीजेरियन सेक्शन बेस्ट मेथड ऑफ डिलीवरी इन कोर्ड प्रोलेप्स जो सीजेरियन सेक्शन है ये बेस्ट मेथड होता है डिलीवरी का और किस सिचुएशन में इन द कोड प्रोलेप्स अगर किसी फीमेल को कोर्ड प्रोलेप्स हुआ हुआ है तो सीजेरियन सेक्शन बेस्ट मेथड है डिलीवरी के लिए हाई सिम्स पोजीशन फीमेल को दी जाती है तो ये हुआ इसका मैनेजमेंट अब जो सेकंड टॉपिक है वो है प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन का प्री मेचोर ही रप्चर हो जाना तो डेफिनेशन देखिएगा इसकी स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एनी टाइम बियॉन्ड ट्वेंटी एट वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर इज कॉल्ड प्री लेवर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहने का मतलब है स्पॉन्टेनियस अपने आप ही स्वतः ही रप्चर हो जाएगी मेम्ब्रेन एनी टाइम कभी भी बियॉन्ड ट्वेंटी एट वीक ऑफ प्रेगनेंसी ट्वेंटी एट वीक कम्प्लीट होने के बाद बट बिफोर ऑन सेट ऑफ द लेबर लेबर ऑन सेट होने से पहले इस कार्ड इसी को अपन बोलेंगे प्री लेबर रप्चर ऑफ मेमब्रेन मतलब फुल टर्म होने से पहले और ट्वेंटी एट वीक होने के बाद अगर मेमब्रेन रपच्चर होती है तो उसको बोलते हैं अपन प्री लेबर रप्चर ऑफ मेमब्रेन तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन अब देखिएगा इसके कोच क्या क्या रीजन हो सकते हैं प्री रप्चर होने के तो पोलिहाइड्रो एमनियोस एक रीज़न है पी आर ओ एम का सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस अब सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मीन होता है सर्विक्स बिगेन टू डाइलेट एंड इफेसमेंट बिफोर रीज टर्म प्रेगनेंसी किसी भी फीमेल के फुल टर्म होने से पहले ही सर्विक्स का डाइलेट हो जाना एंड इफेसमेंट हो जाना मतलब सर्विक्स का अपर सेगमेंट में मर्ज हो जाना उसको बोलते हैं इफेसमेंट तो ये प्रोसेस फुल टर्म से पहले ही हो जाती है सर्विक्स का डायलेट हो जाना फुल टर्म से पहले ही वही कहलाता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस और सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस को अपन ने जब अबॉर्शन पढ़ रहे थे तो अबॉर्शन के टाइम पर भी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस पड़ा था और रिकरेंट अबॉर्शन का मेन कॉज होता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस होने के कारण फीमेल के अंदर रिकरेंट अबॉर्शन देखा था तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कोज हो सकता है पी आर ओ एम का भी अब नेक्स्ट है मल्टीपल प्रेगनेंसी मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर भी सरवा प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखा जाता है इन्फेक्शन अगर फीमेल को इन्फेक्शन हुआ है तो इसके कारण पी आर ओ एम हो सकता है कोरियोन एमनियोनाइटिस में भी कोरियोन और एमनियन के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन होने की वजह से बी पी आर ओ एम हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हो फीमेल को एंड द लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हो इसके कारण भी पी आर ओ एम देखने को मिलता है तो अब नेक्स्ट देखिएगा इसके इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन करने पता लगाने के लिए कौन कौन से टेस्ट करेंगे अपन तो कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए अपन ब्लड टेस्ट करेंगे यूरिन टेस्ट करेंगे वेजाइनल स्वैब लेंगे और वेजाइनल स्वैब लेके कल्चर के लिए भेजेंगे अब है नेक्स्ट नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी इसमें किया जाता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट को अपन अगले नेक्स्ट टॉपिक में अलग से पढ़ेंगे अब देखिएगा इसका मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट है फर्स्ट टर्म इंडक्शन ऑफ लेबर ऑक्सीटॉक्सिन यूज अगर इंडक्स करानी है आपको फुल टर्म हो गई है और इंडक्शन ऑफ लेबर अगर इंडक्ट करा रहे हो आप लेबर को तो ऑक्सीटॉक्सिन आपको यूज करना है पी आर ओ एम प्री रप्चर ऑफ मेमर टर्म टर्म से पहले ही प्री रप्चर हो रही है तो क्या करना है द मेन कंसर्न इन बैलेंस बैलेंस बनाना है द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड रिस्क ऑफ प्री मेचोरिटी इन एक्टिव इंटरवेंशन तो इनके बीच में आपको बैलेंस बनाना है तो ये तो था इसका मैनेजमेंट भी छोटा सा है और दोनों ही टॉपिक बहुत शॉर्ट हैं बट कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछ लिए जाते हैं तो ओके थैंक यू